तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओकिनावा प्रेस प्रो के बारे में, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। एंड क्यों ये गाड़ी इतना सेल हो रही है, क्या रीजन है उसके पीछे, पूरा डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, रेंज एंड मोटर पावर एंड बैटरी पावर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टायर प्रोफाइल डिस्कस कर लेते हैं। तो टायर प्रोफाइल यहाँ पे जो है 90 बाय 90 सेक्शन का यहाँ पे टायर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा ये ट्यूबलेस टायर है जो कि 12 इंचेस के अलॉय व्हील पे सेटअप है। देख लेते हैं इसका ब्रेक कैसा है। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप ब्रेक कैलिपर यहाँ पे देख पा रहे हो, ओकिनावा का ब्रेक कैलिपर यहाँ पे यूज किया गया है। प्लस यहाँ पे दोनों साइड पे आपको ड्यूअल डिस्क देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलेगा और रियर साइड में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को और कंफर्टेबल बनाने के लिए जो यहाँ पे सस्पेंशन का यूज किया गया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का यूज किया गया है। साथ ही साथ देख लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ एबीएस फाइबर का यहाँ पे यूज किया गया है जो कि नॉन ब्रेकेबल रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों दिखा देता हूं एक बार इसका फ्रंट लुक जो कि है लाइटिंग सेटअप। तो लाइटिंग सेटअप दिखाने के लिए मैं सबसे पहले आपका फोकस यहां की तरफ करना चाहूंगा। तो ये वाली लाइट जो आप देख पा रहे हैं, तो गाइस जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा ये वाली लाइट जो है अभी चालू हो जाएगी। इसे हम एज ए DRL भी कह सकते हैं और मेन जो DRL है इसकी वो ऑप्शनल है। आप जलाना चाहें तो जला सकते हैं, नहीं जलाना चाहें तो नहीं जला सकते। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे कि आपने और गाड़ियों में देखा होगा कि जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे ये DRL जो है चालू हो जाती है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये वाली ये जो LED लाइट है ये चालू रहती है। और इसके बाद मैं इसकी DRL ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये है यहाँ पे DRL, तो जिस तरह के आप देख पा रहे हैं। एंड इसके साथ अब मैं ऑन करने वाला हूँ हेडलाइट्स। तो ये कुछ एक्सपीरियंस रहने वाला है इसका। लाइटिंग सेटअप में काफी काम किया गया है एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं फॉक्स भी अच्छा आ रहा है, अच्छा खासा सारी लाइटें जल रही है, लाइक ये एंड ये पूरा पोर्शन ऑन है। एंड इसके बाद मैं इंडिकेटर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये जो साइड के इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स इसमें मतलब ऊपर की तरफ दे दिए गए हैं। तो इंडिकेटर्स भी चला के देख लेते हैं एक बार। ये जो है हेलोजन में दे दिए गए हैं। ये इंडिकेटर्स हो गए। एंड इसके साथ अगर मैं बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करूं तो गाइस यहां पे ये जो ओवरऑल लुक आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर एक ही प्लेट लगती है। तो यहां पे नंबर प्लेट का यूज किया गया है क्योंकि ये व्हीकल RTO रजिस्टर्ड है। तो यहां पे RTO की नंबर प्लेट भी यहां पे आप लगा सकते हैं। एंड इसके साथ साथ पूरा पोर्शन खाली है, कोई एडिशनल ग्राफिक्स यहाँ पे यूज नहीं किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ओकिनावा का बैज यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अलावा कोई एडिशनल ग्राफिक्स यूज नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे गाइस एक बार मीटर देख लेते हैं, इसका मीटर कंसोल में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल रही है। तो एक बार मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये टोटल स्पीडोमीटर होता है, कितनी स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है। यहाँ पे आपको 1, 2, 3 करके मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको स्विच भी करके दिखा देता हूँ एक बार, ये सेकंड और यहाँ से टर्बो मोड। तो ये मोड्स चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन से मोड पे आपकी गाड़ी चल रही है। यहाँ पे बैटरी का मीटर दे दिया गया है, यहाँ पे टाइमिंग आ रही है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ट्रिप मीटर देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे आपको टोटल ओडोमीटर देखने के लिए मिल जाएंगे। RPM मीटर भी इसके अंदर दे दिया गया है। ओकिनावा की छोटी सी बैजिंग यहाँ पे दे दी गई है। साथ ही साथ कुछ मीटर में साइड में भी आपको साइड पार्ट्स में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जैसे कि टर्न इंडिकेटर्स है वो इस तरह से आपको दोनों साइड पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपने आपकी जो हेडलाइट्स है अगर आपने वो ऑन की हुई है तो इस तरह से, तो वो भी आप यहाँ पे हाई बीम और लो बीम की भी यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये वाली ग्रीन लाइट भी एक देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये लाइट ऐसे काम करती है जैसे कि आपका जो एक इग्निशन स्टार्ट होने के टाइम पे जो एक DRL ऑन होती है तो गाइस वो 15 सेकंड के लिए चालू हो जाती है। जब आप इग्निशन को बंद कर देंगे तब भी 15 सेकंड तक वो चालू रहती है। तो जब तक वो चालू रहेगी तब तक ये वाला मार्क चलता रहेगा। तो ये है यहाँ पे पूरा ओडोमीटर, इसका मीटर कंसोल। तो इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ राइट हैंड साइड पे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को राइट हैंड साइड पे क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है, स्मूथ थ्रॉटल, साथ ही साथ एडजस्टेबल ब्रेक लीवर जिसको आप इस तरह से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसका साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को हेडलाइट ऑन एंड ऑफ के ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ की तरफ आपको एक हॉर्न एडिशनली राइट हैंड साइड पे भी आपको एक हॉर्न बटन देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मोड्स एडजस्ट करने के लिए बटन मिल जाता है। यहाँ की तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम एडजस्ट करने के लिए,
यहाँ पे हॉर्न स्विच मिल जाता है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स एंड साथ ही साथ टर्बो मोड जो कि तीसरा मोड है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्रेक लीवर है ये भी आपको एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाता है, इसको आप इस तरह से अगेन एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी चाबी दिखाना चाहूंगा गाइस। यहाँ पे आपको दो मैनुअल कीज मिलती है और एक ऑटोमेटिक की मिलती है, तो इससे भी अपन गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले इसके फीचर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस गाड़ी को एक बार लॉक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही अगर अपन इसको लॉक करते हैं तो इस तरह की आवाज आती है, एंड इसके साथ साथ जैसे ही मैं गाड़ी को कहीं पे टच करता हूँ तो इस तरह की आवाज आने लग जाती है। अब इसके बाद मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ ताकि ये आवाज बंद हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको अनलॉक कर दिया है। उसके बाद ये बीच वाला बटन दे रखा है, तो इसको अगर मैं डबल प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा मीटर की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने की मेरे हाथ में है एंड मैं यहाँ पे डबल प्रेस करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं डबल प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पे जो है अब गाड़ी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मीटर भी रन कर रहा है जबकि चाबी मेरे हाथ में है, यानी कि मैं इसको रिमोट की के थ्रू भी इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो इस तरह से मैं इसको बंद कर सकता हूँ जो कि मैंने अनलॉक किया है उससे ये गाड़ी बंद हो चुकी है। तो ये भी एक स्मार्ट फीचर है इसके अंदर। तो यहाँ पे लेग रूम की तरफ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहली जो मेरी नज़र पड़ी है वो गाइज यहाँ पे पड़ी है, ये है मोबाइल चार्जर पोर्ट। तो इस जगह पे आप अपना मोबाइल चार्ज पे लगा कर यहाँ पे आपका पिन सेट करके और इसके बाद फ़ोन को यहाँ पे रख सकते हैं ईजिली। तो इस जगह पे आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। एंड स्पेस की बात करूँ तो गाइस इतना स्पेस इसके अंदर है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को एक हुक मिल जाता है, इसमें आप कुछ भी सामान लटका के कैरी कर सकते हैं। एक एडिशनली स्पेस यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, काफी अच्छा खासा स्पेस है इधर की साइड। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा सीट के जस्ट नीचे यहाँ पे चार्जर। तो यहाँ पे आप लोगों को चार्जिंग का प्लग यहाँ पे कनेक्ट करना होगा एंड उसके बाद ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे मुझे पता चला है 2 से 2.5 घंटे में ये गाड़ी फुल 100% 0 to 100% चार्ज हो जाएगी। बट एक कंडीशन भी है कि 0 से 80% ये 1 घंटे के अंदर भी चार्ज हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपके पावर सप्लाई एंड जो आपका केयरिंग सिस्टम है, आप किस तरह से इसकी बैटरी को केयर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब एक बार इसका बूट स्पेस देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ पे की लगी हुई है, तो इसको अगर मैं लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करता हूं तो यहां पे जो है बूट ओपन हो चुका है। यहां की तरफ ज़्यादा स्पेस देखने के लिए नहीं मिल रहा, बट जो छोटी मोटी चीज़ें आप कैरी करना चाहें वो यहां पे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे स्पेस है, बैटरी फुली कवर्ड है एंड इसके अलावा यहां पे भी छोटा सा स्पेस दिया हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ से भी टूल किट और इसका यूज़र मैनुअल निकाला है। फिलहाल मैं इसको रख देता हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अंदर की तरफ क्या है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर आप लोगों को देखने के बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी रखने की कोशिश ना करें, ये थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। तो बताना चाहूंगा यही जो बैटरी है जो आपको 1 घंटे में 80% तक चार्ज हो जाती है एंड जो आप 0 से 100% तक करते हैं इसको चार्ज, तो वो आपको 2 से 2.5 घंटे के अंदर पूरी चार्ज हो जाती है। तो जैसा कि बैटरी का वोल्टेज पावर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, 72 वोल्टेज एंड 29 AH का यहाँ पे बैटरी पावर है। एंड इसी के साथ बताना चाहूंगा ये जो बैटरी है आपको 100 किलोमीटर तक का रेंज दे देती है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा इको मोड पे यहाँ पे जो है 3 मोड्स दिए हुए हैं, तो तीनों मोड्स में आपको बता देता हूँ, इको, स्पोर्ट्स एंड टर्बो। तो इको मोड पे यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि 110 किलोमीटर तक का आपको रेंज देखने के लिए मिल जाएगा एंड साथ ही साथ जो स्पीड होती है वो 42 to 45 तक का इसका स्पीड मिल जाएगा देखने के लिए। एंड इसके साथ साथ जो ड्राइव मोड होता है, जो इसका स्पोर्ट्स मोड है, तो स्पोर्ट्स मोड मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार करके दिखा देता हूं। फिलहाल मैं इसको पैक कर देता हूं एंड इसके साथ यहाँ पे भी आपको एक MCB स्विच देखने के लिए मिल जाता है जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी परफेक्ट है। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं आप लोगों को इसका जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है वो मैं देखने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार कौन से मोड पे क्या स्पीड अपने को देखने के लिए मिल जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस फर्स्ट मोड है गाड़ी का, तो अभी मैं इसका थ्रॉटल दे देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे 44 की स्पीड आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 42-45 की स्पीड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ अब अगर मैं इसका सेकंड मोड लगा देता हूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्विच हो गया है सेकंड मोड पर। तो अब मैं इसका थ्रॉटल देता हूँ, तो यहाँ पे 68 की स्पीड मिल रही है। इसके अंदर आपको 68-70 तक की स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसके अंदर आपको रेंज जो मिलता है गाइस वो आप लोगों को मिल जाता है 90 किलोमीटर तक का एंड 90+ भी हो सकता है, वो सब कुछ आपकी राइडिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब मैं आप लोगों को इसका टर्बो मोड दिखाऊंगा। यहाँ पे टर्बो मोड को यूज कैसे
करना है उसका भी एक स्पेशल केस है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। तो जैसे कि ये सेकंड मोड पर अभी गाड़ी चल रही है, मैं सेकंड मोड पे इसका थ्रॉटल देता हूँ, यहाँ पे 68, 69, 70 तक की स्पीड आ जाती है। अब मैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे टर्बो मोड इसका लगा देता हूँ, और यहाँ पे मीटर में भी आप देख पाएंगे तीसरा मोड कनेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से 74 तक की 75 तक की यहाँ पे स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। बट ये कुछ ही देर के लिए अगर आप यूज करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा देर तक इस मोड को अगर आप यूज करते हैं, टर्बो मोड पे ही गाड़ी को चलाते हैं, तो उससे आपकी रेंज हैम्पर जरूर होगी। तो ये मैं गारंटी कह सकता हूँ कि रेंज जरूर हैम्पर होगी। तो रेंज ज्यादा लेने के लिए मैक्सिमम स्पीड को आप जो है 69-70 तक भी रखेंगे तो भी आपको अच्छी खासी रेंज 90 किलोमीटर तक की आपको रेंज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक बार इसका सिटिंग पॉस्चर भी चेक कर लेता हूँ एक बार बैठ कर, तो मैं आप लोगों को ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो इस तरह से मैं बैठ गया हूँ, थोड़े से पैर मुझे ऊपर लग रहे हैं क्योंकि और में लाइक इतने रहते हैं, बट यहाँ पे इतने आ रहे हैं मेरे, तो इसका जो मैटिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा अपर साइड पर है, तो इस तरह से मैं इसको चला पाऊंगा अगर मैं चलाऊंगा तो वैसे मैं इसका राइड एक्सपीरियंस भी आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊंगा गाइस। तो ये मेरा सीटिंग पोस्चर रहने वाला है, जिसमें थोड़ा सा मेरा ये जो है बैक साइड है ये थोड़ा सा मेरा थोड़ा घूम रहा है, एंड फ्लेक्सिबल भी है, कंफर्टेबल भी है वैसे तो ये कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जब तक टच हो रहा है जब तक तो ये लॉक हो रहा है, दैट मीन्स कि जब आप मोड़ते हैं, वैसे तो पैर नीचे आ ही जाता है जब तक अपन मोड़ते हैं, तो ये एक एक्चुअल कंडीशन होती है कि जिस तरह से जब आप मोड़ते हैं गाड़ी को तो ऑटोमेटिकली पैर नीचे आ जाता है, बट फिर भी अगर मैं इसको एज्यूम करूँ कि इतने में अगर मैं मोड़ता हूँ गाड़ी को तो भी इतने में तो लॉक ही हो रहा है, दैट मीन्स मेरे पैर पे टच नहीं हो रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो मेरे जैसी हाइट लाइक 5'9" 5'10" की मेरी हाइट है, तो इसके हिसाब से मेरे लिए कंफर्टेबल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हाँ पैर जो है मेरे थोड़े से ऊपर है तो इसके लिए मैं कहूँगा कि हाँ ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार साइड पोज पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो साइड पोज में मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, दोनों साइड पे मैंने यहाँ पे दोनों साइड पे नोटिस किया कि दोनों ही साइड पे अपने को साइड रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड साथ ही साथ अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ और सीट के बारे में देख ले रहा हूँ। तो सीट की जो कुशनिंग यहाँ पे दी हुई है वो काफ़ी सॉफ्ट है और सीट के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एंड साथ ही साथ बताना चाहूँगा इस जगह पे इस पार्ट पे आप लोगों को कोई एडिशनल ग्राफिक्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सिंपलिसिटी मैं मानता हूं कि कंपनी ने बिल्कुल काफी सिंपल रखा है गाड़ी को, तो बिल्कुल प्लेन रखा है, कोई एडिशनल ग्राफिक्स नहीं है। यहां पे ओनली इस व्हीकल का नाम है प्रेस प्रो, तो यहां पे ओकिनावा की सीट पे बैजिंग दे दी गई है। साथ ही साथ बात करता हूँ यहाँ पे फुटरेस्ट के बारे में, तो जो पिलियन होंगे उनके लिए फुटरेस्ट ये काम करेगा, एंड जो लेडी अगर लेडी कोई बैठती है पीछे की तरफ तो आप लोगों को ये वाला फुटरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों ही तरह के आपको स्टैंड देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि साइड स्टैंड और मेन स्टैंड, दोनों ही स्टैंड पे आप गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया हुआ पार्ट है, ये आर्म कवर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से कोई भी लाइक कुछ भी चीज इसके अंदर आने से पहले यहाँ से टकरा कर रुक सकती है, तो ये आर्म कवर्स का यहाँ पे काम करेंगे। साथ ही साथ बताना चाहूंगा यहाँ पे जो सस्पेंशन यूज किए गए हैं पीछे की साइड पे, ये स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन यहाँ पे यूज किए गए हैं, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कंफर्ट होता है कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो भी परफेक्ट है, क्योंकि दोनों साइड पे आप लोगों को यहाँ पे सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं इसके रियल लुक के बारे में, तो पीछे की तरफ से मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ग्रेबरेल टाइप का कुछ दे रखा है, तो काफी मजबूत लग रहा है। एंड इसके बाद इसका जो पीछे का लाइट का पोजिशनिंग दी हुई है तो वो भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार, तो इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस होने वाला है पीछे की साइड से आप लोगों को इस तरह से दिखेगा। एंड इसी के अंदर आप लोगों को इंडिकेटर्स भी दे दिए गए हैं, तो इंडिकेटर्स भी मैं चला के दिखा देता हूँ एक बार, डायनामिक शेप में दिया हुआ है एकदम एरोडायनामिक शेप में, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है लुकिंग वाइज। तो और LED सेटअप दे दिया गया है पीछे की साइड पे। एंड इसी के साथ बताना चाहूंगा यहाँ पे आप लोगों को एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ दिख जाएगा। सबसे पहले मैं इसका इंडिकेटर बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस पीछे की नंबर प्लेट का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है, नंबर प्लेट के ऊपर भी एक लाइटिंग होती है तो वो भी यहाँ पे दे दी गई है। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी पीछे के बारे में, तो पीछे की तरफ भी बिल्ड क्वालिटी मैं देख पा रहा हूँ काफी सही दे दी गई है। तो बात कर लेते हैं इसके पीछे के टायर प्रोफाइल के बारे में, तो गाइस यहाँ पे भी मेरे को जो ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल गया है। एंड साथ ही साथ बताना चाहूंगा टायर का साइज जो है वो 90x90 सेक्शन का रखा गया है, एंड 12 इंचेस का एलोई व्हील यहाँ पे दे दिया गया है। एलोई व्हील की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे कोई एलोई व्हील नहीं है, इसके अंदर पीछे की साइड पे आप लोगों को डायरेक्ट मोटर देखने के लिए मिल जाएगी, एंड इसी के साथ साथ उसमें आप लोगों को यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी देखने के लिए मिल जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मोटर की जो पावर यहाँ पे दी गई है वो है 1000 वॉट की यहाँ पे मोटर यूज की गई है, जिसका पीक पावर जाता है 2500 वॉट तक। और इसके साथ साथ जो इसकी क्लाइंबिंग पावर है, जिसे हम ग्रेडिबिलिटी भी कहते हैं, वो गाइस 7 डिग्रीज पे टेस्टेड है। तो 7 डिग्री तक की आप जो है क्लाइंबिंग इस गाड़ी से कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा आज का ये रिव्यू ओकिनावा प्रेस प्रो का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।